आज प्रगति मैदान में हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 6 तारीख से 14 तारीख तक प्रगति मैदान में बुक फेयर लगा है और आज इसका पहला दिन है। और अभी मैं हॉल नंबर 12 में स्टॉल नंबर 95 के सामने खड़ा हूँ। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से स्टॉल है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बुक्स हैं वो रिलीजियस बुक्स यहाँ पे काफ़ी रखी हुई है। कुरान अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पे है, इंग्लिश में, हिंदी में कुरान और रिलीजियस बुक्स रखी हुई है। तो हम देखेंगे कि यहाँ के यहाँ जो इसको ड्राइव कर रहे हैं उनसे ज़रा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई इस स्टॉल के पीछे क्या पर्पस है, क्या मकसद है और वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम वारिस हुसैन है। तो ये बताएंगे ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो स्टॉल आपने लगाया है वो किस मकसद से लगाया है? देखिए, इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम समझते हैं कि हमारे देश में नफरत हमें नुकसान पहुँचाएगी, अगर मोहब्बत फैलेगी तो उससे देश तरक्की करेगा। तो इस नफरत के इस माहौल में हम लोगों को मोहब्बत का एक संदेश दे रहे हैं, उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ लिटरेचर है इस्लाम के बारे में, हमारे पास हिंदी में और इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन है, वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत मिनिमल कीमत पे। हमें समझते हैं कि हमारे जो हिंदू भाई है या फिर मुस्लिम भाई है उन तक कुरान नहीं पहुँच पाता। हमारी कोशिश है कि उनको यहाँ से प्रोवाइड करें और बहुत मिनिमल कीमत पर प्रोवाइड करें और साथ में उनको कुछ थोड़ा सा लिटरेचर भी देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पढ़ें। किस किस तरह की किताबें हैं आपके पास? हमारे पास देखिए, एक तो किताब शांति मार्ग देख रहे होंगे आप, हमारा जो एक फोल्डर है जो मेन फोल्डर है इस्लाम शांति सफलता का मार्ग, ये हमारा मेन फोल्डर है। इस बार जब इसको देखिए हाईलाइट किया हमने यहाँ पे सामने। उसके बाद हमारा एक फोल्डर है नारी और इस्लाम पे, वुमेन जो है सब बने शो बना हुआ है इंडिया का। तो एक छोटा सा फोल्डर हमने तैयार किया था नारी और इस्लाम के ऊपर कि वुमेन्स की क्या पोजिशन है इस्लाम में, वो थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। और एक थर्ड है राष्ट्रवाद पे। इस्लाम का कहना है कि राष्ट्रवाद तो हमेशा दो लोगों के बीच में नफरत पैदा करता है और वॉर्स तक पहुंच जाता है, और उसके बदले में इस्लाम हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है। तो हम उसको उस पैगाम को लोगों के सामने बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद से हटके यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अपनाएंगे तो फिर हर जगह शांति होगी और वॉर्स से हम आज़ादी पा सकते हैं। और उसके अलावा फिर हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी है, उनकी लाइफ स्टाइल किताबें हैं, इस तरह से और किताबें हमारे पास बहुत सारी हैं और कुरान का ट्रांसलेशन हमारे पास है। आपने किस लैंग्वेजेस में किताब रखी है? हमारे पास दो लैंग्वेजेस में है, मोस्टली तो हिंदी में और फिर कुछ किताबें इंग्लिश में भी हमारे पास है और वैसे कुछ थोड़ी सी किताबें हमारे पंजाबी में भी हैं।